आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय जी की। बताना चाहता हूं कि सिख गुरुओं की बायोग्राफीज, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स हम देख रहे हैं और आज हम सातवें गुरु पे आ गए हैं। तीन गुरु बचे हैं, उसके बाद हम ये सीरीज को वाइंड अप करेंगे। तो सातवें गुरु गुरु हर राय जी की आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने गुरु हर गोविंद जी के बारे में जाना था, गुरु हर राय जी उनके पोते हैं, बहुत कुछ किया था इन्होंने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। बताना चाहता हूं हाल ही में यूजीसी नेट कॉमर्स से हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों। तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। आराम से घर बैठ के अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, नोट्स बनाइए, बाकी स्टडी आईक्यू तो आपके साथ है ही। तो अगर हम सिख गुरुओं की बात करें दोस्तों तो टोटल 10 गुरु आए थे। हमने सबसे पहले गुरु नानक देव को देखा था, गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी को देखा था, जिन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया था, खोजा था। क्या आवाज थी इनकी दोस्तों, भगवान भी झुक जाते थे, ये सब के सब मैसेंजर्स ऑफ गॉड थे और भक्ति मूवमेंट पूरा का पूरा चालू था। तो गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म को फाउंड करके, एक नए रिलीजन को फाउंड करके, वैसे तो पहले ये रिलीजन था ही नहीं, ठीक है, ये एक तरीके से कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी और अभी भी बहुत सारे लोग इसको रिलीजन नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने में ही विश्वास रखते हैं। सिख जो होते हैं ना, आप देख लीजिए, वो देश सेवा, लोगों की सेवा हमेशा करते हुए नजर आ जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ समर्पित रहते हैं और ये सच बात है, आप देख लीजिए कहीं पे भी। तो गुरु नानक देव जी की बात करें तो इन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया था, खत्री परिवार से आते थे, बिजनेस इन्होंने अपना पारिवारिक जो व्यापार था वो इन्होंने नहीं ज्वाइन किया, इनका एक अलग ही मोटिव था। भैया 5 साल की उम्र में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड इन्होंने भगवान को समझा दिया, तो 5 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा ये बता देता है तो वाकई में वो स्पेशल है। तो गुरु नानक देव जी तो स्पेशल थे, धन धन गुरु नानक। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को अगला गुरु नहीं चुना, उन्होंने अपने शिष्यों को चुना, जिसमें से गुरु अंगद देव जी थे। फिर तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी आए, ये भी गुरु अंगद देव जी के शिष्य थे। गुरु अमरदास जी सोशल इविल से ताउम्र लड़ते रहे। उसके बाद एक और गुरु, गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर शहर को बनाया था, रामदासपुर पे, याद रखिएगा दोस्तों, अमृतसर को रामदासपुर बोला जाता था। गुरु अमरदास जी चाहते थे कि कोई एक ऐसा सेंटर हो जहां से सिखिज्म एक्सपैंड हो, और गुरु अमरदास जी ने, आपको पता ही है, तीन परंपराएं चालू की थी। सबसे पहले तो मांझी सिस्टम, जोन्स एस्टैब्लिश किए थे जहां से रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता था, इनके चीफ को संगतियाज बोला जाता था। दूसरा दसवंत, 1/10 ऑफ इनकम आपको डोनेट करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, लंगर सिस्टम को इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया था, कॉमन किचन। दोस्तों लंगर आज भी आप देखेंगे, सिख जो है हमेशा इस चीज में बहुत ज्यादा डिवोट रहते हैं और ये एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, और इस समय में भी ऐसी सेवा करना काबिले तारीफ है। तो गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी की इच्छा रखी और गुरु रामदास जी ने शहर को खोज निकाला था। गुरु रामदास जी की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। बचपन से ही इनको, बहुत छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो गए थे, इनके माता पिता जिनको छोड़ के चले गए थे गुरु रामदास जी को, फिर बहुत जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान करते थे, जो इनके रिश्तेदार हैं उन्होंने भी ये बोला था कि तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, लेकिन फिर गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी की शरण में गए और वहां से सब कुछ बदल गया। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी आए, गुरु अर्जन देव जी ने दोस्तों आदि ग्रंथ लिखना शुरू किया और यहां से एक अलग फेज स्टार्ट हो गया। गुरु अर्जन देव जी को जब जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया, यहां से फिर बिल्कुल एक अलग ही फेज स्टार्ट हो गया। शहीदी प्राप्त करने से पहले इन्होंने अपने बेटे गुरु हर गोविंद जी को गुरु बना दिया था। गुरु हर गोविंद जी की बायोग्राफी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उन्होंने अकाल तख्त बनाया, ठीक है ना, मिरी और पिरी,
एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी और एक टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब जो टाइम से रिलेटेड हो, जिसको अकाल तख्त बोला जाता है, इनफाइनाइट। तो इन्होंने, और ये पहला तख्त है, कितने तख्त है सिखिज्म में कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की। गुरु अर्जन देव जी जब शहीदी के लिए जा रहे थे और उनको पता था जहांगीर क्या करने वाला है उनके साथ, तो गुरु हरगोविंद जी को उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि अब तुमको चीजों को अलग ढंग से देखना पड़ेगा। यहां से मिलिट्राइजेशन शुरू हो गया सिखों का, मिलिट्राइजेशन सेल्फ डिफेंस के लिए, अटैक करने के लिए नहीं। और सातवें गुरु, गुरु हर राय, गुरु हर राय गुरु हर गोविंद जी के पोते थे, और फिर गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ की स्टार्ट करने वाले, इनकी बायोग्राफी को हम देखेंगे। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं शुरू करने से पहले, कि गुरु एंग्लो सॉरी एंग्लो कह रहा हूं, मुगल सिख वॉर्स पे मैंने सेपरेट सीरीज भी ली है, ठीक है। दो फेज है मुगल सिख वॉर्स पे, एक गुरु हर गोविंद जी के समय जब शुरू हो गया था। देखिए जहांगीर ने भले ही गुरु अंगद जी को एग्जीक्यूट कर दिया था, लेकिन गुरु हर गोविंद जी सिंह जी से उसके फ्रेंडली रिलेशन थे, ठीक है ना, तो ठीक ठाक रिलेशन थे। लेकिन जब शाहजहां आया 1627 में, बहुत इंटॉलरेंट था, तो वहां से फिर एक अलग फेज स्टार्ट हो गया और युद्ध शुरू हो गए। तो गुरु हर गोविंद जी ने 5 युद्ध लड़े थे, 5 बैटल्स लड़ी थी। ये पहला फेज था, वो मैंने सेपरेट लेक्चर में कवर किया है, मेरे बैटल सीरीज का पार्ट है। दूसरा फेज औरंगजेब के समय शुरू हुआ था दोस्तों, गुरु गोविंद जी के समय में, वो एक अलग फेज था, बैटल ऑफ चंकौर, सिरहिंद, वो भी मैंने पूरा उसमें 3 लेक्चर्स कवर किए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। दोस्तों ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। गुरु हर राय की बात करें दोस्तों, 16 जनवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था, और सातवें गुरु हैं 10 गुरुओं में से। मात्र 14 साल की उम्र में इनको सिख लीडर बना दिया गया था। 8 मार्च 1644 में इनको गुरशिप जो है वो सौंप दी गई थी, क्योंकि मार्च 1644 में यहां पे समाधि प्राप्त की थी गुरु हरगोविंद जी ने, ठीक है। तो इसलिए अगला लीडर कौन होगा, अगला गुरु कौन होगा, गुरु हर राय, ठीक। तो अब दोस्तों ये गुरु हरगोविंद जी के पोते थे, ठीक है ना, जो कि छठे लीडर थे, छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी की अगर बात करें, ठीक। इनकी जो इन्होंने महासमाधि 31 साल की उम्र में प्राप्त की थी। गुरु हर राय की सब चार बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात, गुरु हर गोविंद जी ने जो मिलिट्राइजेशन स्टार्ट किया था, उन्होंने बोला था भैया मैं दो रास्तों को फॉलो करूंगा। अभी तक हम पाथ ऑफ भक्ति, सिर्फ भक्ति के रास्ते को फॉलो कर रहे थे, अब वक्त आ गया कि हम पाथ ऑफ शक्ति, शक्ति के रास्ते को भी फॉलो करें। तो इन्होंने दो तलवार मांगी थी बाबा बुद्धा से, ठीक है ना। तो अब दोस्तों गुरु हर राय की बात करें, तो इन्होंने जो मिलिट्राइजेशन शुरू किया था गुरु हर गोविंद जी ने, इन्होंने वो जारी रखा, कंटिन्यू किया सेल्फ डिफेंस के लिए, लोगों की मदद के लिए। दूसरी चीज, इन्होंने हमेशा 2200 सोल्जर्स रखे ही रखे, ये माउंटेड सोल्जर्स थे जो तैनात थे, कभी भी अगर अटैक होना था, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, अकबर के बाद एक अलग फेज चालू हो गया था, तो यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहां पे मिलिट्री है हमारी, आर्मी है जो कि सेल्फ डिफेंस करेगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने मालवा रीजन, पंजाब के दुआब रीजन, वहां पे इन्होंने यात्राएं की, सिखिज्म को एक्सपैंड किया, और उसके बाद फिर इन्होंने गुरु ने हर किशन जी को भी नॉमिनेट किया अगले गुरु के लिए, जो कि गुरु हर राय के बेटे थे। तो ये चार इंपॉर्टेंट बहुत बड़े काम है, ये चीज है। अब दोस्तों गुरु हर राय की बात करें, तो गुरु हर राय निहाल कौर और बाबा गुरदिता उनका जन्म हुआ था। बाबा गुरदिता की बात करें, तो बाबा गुरदिता गुरु हर गोविंद जी के सबसे बड़े बेटे थे, और 24 साल की उम्र में बाबा गुरदिता का देहांत हो गया था। तो उनके बेटे थे गुरु हर राय। गुरु हर राय बड़े ही प्यारे थे और बहुत ही काइंड थे। आपको बता दूं कि ये अहिंसा में बिलीव करते थे। एक बार ऐसा हुआ था, इन्होंने अपना एक जू बनाया था, ये पेड़ों पौधों से बहुत प्यार करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ये एक्सरसाइज करके, क्योंकि क्या होता था कि जो ट्रेनिंग होती थी वो बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाती थी, मेंटल फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाती थी। तो गुरु हर राय पूरी अपनी ट्रेनिंग से एक्सरसाइज करके लौट रहे थे, 5 साल के थे वो। उन्होंने गुरु हर गोविंद जी को गार्डन में देखा, तो
तो वो घोड़े से उतर के भागे उनकी तरफ, तो उन्होंने जो कपड़े पहने थे, जो चोगा उन्होंने पहना था, वो फंस गया, बुशेज में फंस गया, ठीक है, मतलब जो वहां पे फूलों की क्यारी थी, ठीक है, गार्डन में जो फूलों की क्यारी थी वहां पे उनका चोगा फंस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ फूल जो है वो टूट के गिर गए। इतना दुख हुआ उनको, इतना दुख हुआ गुरु हर राय को, वो बहुत रोने लगे। उसके बाद गुरु हर गोविंद जी ने उनको बताया, बुलाया अपने पास, समझाया, प्यार किया और बोला कि थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। गुरु हर राय को ये बात समझ में आई। गुरु हर राय, जैसा कि मैंने बताया, बहुत नेचर लवर थे, अब उनको शिकार का बहुत शौक था, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी क्रीचर को मारा नहीं, किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया। शिकार का शौक था लेकिन शिकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जिसको भी पकड़ते, जिस भी जानवर को पकड़ते, उसको अपने घर ले आते, ठीक है। तो वहां पे फिर उन्होंने एक छोटा सा जू भी बना दिया था, छोटा सा चिड़ियाघर भी बना दिया था। तो ऐसे तो थे, हमेशा शांत रहते थे, अहिंसावादी। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुसीबत पड़ी तो फिर कुछ नहीं करेंगे, भैया वॉरियर ये भी थे। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, गुरु हर राय जब मालवा से लौट रहे थे, तो यहाँ पे मुगलों के यारबेग खान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, और उसकी बहुत लंबी चौड़ी हजारों की सेना, गुरु हर राय की इतनी सेना नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद गुरु हर राय की सेना ने जमकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे खदेड़ दिया। तो मुसीबत आने पे खड़े हो जाते थे भैया सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये चीज थी, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। दो बच्चे थे इनके, ठीक है, इनके दो बेटे थे, राम राय और हर कृष्ण। हर कृष्ण अगले गुरु बने, राम राय अगले गुरु नहीं बने, क्योंकि एक कुछ ऐसी कहानी है, अभी मैं आगे बताऊंगा, कि राम राय बन नहीं पाए। और इनकी जो शादी थी वो माता किशन कौर से हुई थी। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि मैंने बताया था हर गोविंद जी की तीन बीवियां थी, तो इनका एक बड़ा भाई था धीरमल। धीरमल ताउम्र ये चाहता था कि गुरु हर राय को किसी तरीके से गद्दी से हटा दिया जाए। अब मैंने आपको अभी तीन चीजें बताई थी, तीन चीजें क्या बताई थी दोस्तों, कि मांझी सिस्टम, ठीक है, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस जोन्स होंगे जो कि गुरु अमरदास जी ने स्टैब्लिश किया था, दसवंत, ठीक है, और दसवंत जो डोनेशन जिनको जो कलेक्ट करते थे उनको संगतियाज बोला जाता था, ठीक है ना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लंगर। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो थे वो, मतलब क्या कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थे, ठीक है। लेकिन यहां पे भैया धीरमल ने क्या सोचा कि इन तीनों को हम बिगाड़ेंगे, स्पेशली दसवंत। देखिए दसवंत क्या था कि आपकी जो कमाई हो रही है उसका 10%, ठीक है, जैसे 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 में से 10 रुपए आपको एज अ डोनेशन देने होंगे, जरूरी था दोस्तों। तो एज अ डोनेशन जब देने होंगे तो यहां पे जितने भी टैक्स कलेक्टर्स थे, टैक्स नहीं, आई एम रियली सॉरी, जो ये कलेक्ट करते थे, ये धीमे धीमे क्या होने लगे, करप्ट होने लगे। करप्ट का मतलब क्या है कि शाहजहां ने धीरमल को अपने साथ मिला लिया था, उसने बहुत सारे इसको लुभावने वादे, मतलब लुभावने सपने दिखा दिए थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम क्या करेंगे, एक नया साम्राज्य बनाएंगे। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। धीरमल ने सोचा कि हम सिखों को डिवाइड कर दें, बांट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो गुरु हर राय के पास दो गुना चुनौती थी। एक साइड तो उनको देखना था कि मुगल कहां से अटैक, मुगलों का कोई प्रॉब्लम यहां से तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। दूसरा उनको देखना था कि सिख जो है वो यूनाइट रहे, तो इस पे भी उन्होंने ध्यान दिया और इसमें सफल भी हुए। धीरमल जो है कभी भी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया, और यहां पे पैरेलल गुरुशिप भी चलने लगी थी, ठीक है, एक तरफ धीरमल अपना चला रहा था और इधर गुरु हर राय तो थे ही सिख गुरु, तो यहां पे दिक्कत थी। दारा शिको से इनके काफी फ्रेंडली रिलेशन थे दोस्तों, और दारा शिको इनका दोस्त भी था। एक बार दारा शिको, देखिए मैंने दारा शिको की पूरी बायोग्राफी कवर की है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, दो पार्ट में दारा शिको, 1 घंटे का सेशन है। दारा शिको के बारे में क्या बात करूं दोस्तों, कि अगर दारा शिको रूलर होता तो आज भारत बदल गया होता। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शहजादा जिसका अंत बहुत खराब हुआ, और जो बहुत ही टॉलरेंट था, जो धर्म को समझता था, जो एक हाथ में जिसके कुरान थी और एक हाथ में जिसके गीता वेद रहते थे, ऐसा था दाराशिको।
वो तो सब चीज को एक समान देखता था, सारे ग्रंथों को एक समान देखता था। तो बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और बड़ी मन्नतों के बाद ये पैदा हुआ था। लेकिन औरंगजेब जो था, वैसे चार बेटे थे शाहजहां के, औरंगजेब जो था ये दारा शिकोह से बहुत जलता था और किसी भी तरह चाहता था कि दारा शिकोह को खत्म कर दिया जाए। ये तो काफिर है, इनफिडल है, जो हिंदुइज्म को मानता है। तो यहां पे औरंगजेब ने बहुत कोशिश की। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके खाने में जहर भी मिला दिया था, तो यहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गुरु हर राय ने, आपको एक और चीज बता दूं कि गुरु हर राय चिकित्सक भी अच्छे थे, उन्होंने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी कीरतपुर में बनाया था और कीरतपुरी इनकी परमानेंट सीट भी थी। तो यहां पे क्या हुआ था कि जब दारा शिकोह बीमार पड़ा तो शाहजहां ने हर जगह सोचा, हर जगह खोजा कि कहीं से दारा जो है मेरा, बहुत प्यार करता था शाहजहां, दारा शिकोह से बहुत प्यार करता था। तो बहुत सोचा कि बहुत खोजा, बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई को बहुत आयुर्वेदाचार्यों को बुलाया, लेकिन कोई दारा शिकोह को ठीक ही नहीं कर पाए। तब गुरु हर राय को कॉन्टैक्ट किया गया और गुरु हर राय ने दारा शिकोह को ठीक कर दिया। शाहजहां इतना खुश हुआ कि तुरंत ही गुरु हर राय को बोला कि मैं तुमको जागीर दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। गुरु हर राय ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा तो फर्ज है लोगों को बचाना, लोगों की मदद करना। तो यहां से शाहजहां जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद जब बैटल ऑफ समूहगढ़ लड़ी गई थी, वही फाइनल बैटल औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें दारा शिकोह भाग गया था औरंगजेब, क्योंकि दारा शिकोह वॉरियर तो था नहीं और औरंगजेब अच्छा खासा वॉरियर था। दोस्तों दारा शिकोह की जरूर बायोग्राफी देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता चल जाएंगी। और वैसे भी दोस्तों मैं जो इस्लामिक इन्वेडर्स की एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करूंगा और पूरा मुगल तक जाऊंगा, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है, कि ये जो इतिहास था, जो मेडिवियल हिस्ट्री है भारत की, वो कैसी थी। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा था कि दारा शिकोह जब बैटल ऑफ समूहगढ़ से भागा तो यहाँ पे गुरु हर राय के पास भी आया था, उनसे आशीर्वाद लेने आया था। तो गुरु हर राय ने उनको आशीर्वाद भी दिया, बहुत सारे सोर्सेस से ये पता भी चलता है कि उनको आशीर्वाद तो दिया ही दिया, साथ ही साथ गुरु हर राय की आर्मी ने थोड़ा बहुत डिले भी किया ताकि औरंगजेब की आर्मी गुरु हर औरंगजेब की आर्मी दारा शिकोह को पकड़ ना पाए। तो एक तरीके से गुरु हर राय ने दारा शिकोह की मदद की और जब औरंगजेब ने ताज पहना, मुगल एम्परर बना भैया, तब यहां पे गुरु हर राय को समन किया गया, ठीक है। तो गुरु हर राय की तरफ से उनके बड़े बेटे गए, बड़े बेटे राम राय गए। तो राम राय से जब औरंगजेब ने सवाल जवाब किए और बोला कि तुम्हारे आदि ग्रंथ में मुस्लिमों के लिए गलत चीजें हैं, और एक लाइन को स्पेशली औरंगजेब ने टारगेट किया कि ये क्यों है, तो यहां पे राम राय ने बोला औरंगजेब को खुश करने के लिए कि ये एक गलती हो गई है। और जब गुरु हर राय को ये पता चला कि राम राय ने, मेरे बड़े बेटे ने ऐसा बोला कि गलती हो गई है, तो तुरंत ही उनको एक्सपेल कर दिया गया। उसके बाद वो देहरादून चले गए। तो गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे को एक्सपेल किया और छोटे बेटे को हर कृष्ण जी को अगला सिख गुरु नियुक्त किया। तो ये थी दोस्तों गुरु हर राय की कहानी। और दोस्तों इन्होंने काफी ट्रेडिशन भी सिखिज्म में, कथा भी, और किस तरीके से कथा को रिसाइड करनी है ये भी गुरु हर राय ने ऐड किया। कीर्तन सिंगिंग, ये तो दोस्तों सिखों में चलता ही रहता है, आपको पता ही है, भगवान से जुड़ने का तरीका गुरु नानक जी ने ये स्टार्ट किया था और ये चलता ही रहता है। तो ये भी उन्होंने स्टार्ट किया और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन किया। ये देखा कि कहीं से बाहर से कोई भी इन्वेजन ना हो और इसको सब कुछ अच्छे से जो है वो चलता रहे। साथ ही साथ एक्सपेंशन भी किया, सिखिज्म का एक्सपेंशन भी किया। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, बहुत सारे लीडर्स को नियुक्त किया, उनको तैनात किया। जैसे भगवान गिर को ये काम दिया गया था कि आप ईस्टर्न इंडिया में सिखिज्म को पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे भाई थे जिनको तैनात किया, जिनको नियुक्त किया, और उन्होंने फिर सिखिज्म को एक्सपैंड किया। दोस्तों 6 अक्टूबर 1661 में गुरु हर राय को फाइनल समाधि, महासमाधि प्राप्त हुई और उसके बाद गुरु हर कृष्ण जी ने मोर्चा संभाला, गद्दी संभाली। अब गुरु हर कृष्ण जी की क्या कहानी है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर करिए इसको, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।